कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। अब तक के सफर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और जनता के बीच मजबूत रिश्ता कायम हो गया है और राहुल की छवि पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। अपने इस सफर के दौरान राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार और मीडिया पर तंज कस रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर राहुल मोदी सरकार पर बरसे, क्या कुछ बोले राहुल, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी इन दिनों भारत को जोड़ने के संकल्प के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा इन दिनों पंजाब में है, जहां इस यात्रा का आज आखिरी दिन है और कल यात्रा पहाड़ी राज्य हिमाचल में प्रवेश कर जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी ने पंजाब की जनता को संबोधित किया और मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मोदी सरकार के मीडिया मैनेजमेंट को लेकर भी तंज कसा। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको टीवी पे मिलेगा। कभी आपने सुना मीडिया में, कभी आपने बेरोजगार शब्द सुना है? कभी सुना आपने कि देश में बेरोजगारी है? मीडिया ने कभी महंगाई की बात करी है? कभी नहीं। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। पार्लियामेंट में हम मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते, कहते पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, अग्निवीर योजना पे नहीं बोल सकते, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आ गया उसके बारे में नहीं बोल सकते, जीएसटी के बारे में नहीं बोल सकते, नोटबंदी के बारे में नहीं बोल सकते। इसलिए हमें रास्ता सड़क का अपनाना पड़ा। राहुल गांधी ने संसद में उनकी आवाज दबाए जाने का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में फैली नफरत को मिटाने की बात की। हर धर्म की इज्जत करो, नफरत मत करो, हिंसा के खिलाफ खड़े हो, लोगों को जोड़ने का काम करो, यही आपके गुरुओं ने कहा था। इस यात्रा में आपको नफरत नहीं मिलेगी। इस यात्रा में कोई गिरता है तो उससे कोई ये नहीं पूछता, भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम करते क्या हो, अमीर हो या गरीब हो, ना, एकदम उठा देते हैं। किसी को चोट लगती है, सारे के सारे लोग मदद करते हैं। किसी को प्यास लगती है, सब लोग पानी पिलाते हैं। ये आपके गुरुओं ने हमें रास्ता दिखाया है, यही यात्रा करने की कोशिश कर रही है। पंजाब की जनता को दिए संबोधन में राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के अब तक के अपने अनुभव को साझा किया और देश की जनता को धन्यवाद दिया। अब आज इस राज्य में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन है और अब पड़ोसी राज्य हिमाचल में यात्रा के स्वागत की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।